अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारे पास ये 24 वोल्ट की डीसी मोटर है जो कि जो जिसको आज हम ओपन करेंगे और बताएंगे कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं जिसकी मदद से ये रोटेट करती है और ये किस तरह मोशन करती है। तो सबसे पहले हम इसके दोनों स्क्रूज खोलेंगे जो बैक साइड पे लगे हुए हैं। ये हमारे स्क्रू ओपन हो गए हैं और ये इसकी बैक साइड हम ओपन करने लगे हैं। लें जी, ये हमारी बैक साइड है मोटर की, जिसके ऊपर दो कम्यूटेटर्स लगे हैं और सेंटर में एक बैरिंग लगा है। बैरिंग का काम होता है हमारी जो शाफ्ट है, शाफ्ट को हम बैरिंग के ऊपर रख दें, लगा दें, और ताकि हमारी शाफ्ट फ्रीली मूव करें। और ये जो दो कम्यूटेटर्स हैं, ये हमारी ये स्प्लिट रिंग्स जो हैं, ये स्प्लिट रिंग्स मोटर के होते हैं, इसके ऊपर इसको करंट सप्लाई देते हैं। इनका असल में काम होता है करंट सप्लाई देना। लें जी, ये हम यहाँ पे रखते हैं और हम अपनी शाफ्ट, ये जो कॉइल है, इसको बाहर निकालते हैं। ये कॉइल बाहर अंदर इसलिए जा रही है क्योंकि इसके अंदर दो मैग्नेट्स लगे होते हैं। अगर आपको नज़र आ रहे हो, एक ये इस साइड पे लगा हुआ है और एक इस साइड पे। मैं आपको लाइट जला के दिखाऊंगा। ये देखें, ये दो मैग्नेट्स लगे हैं जो मोटर की रोटेशन में हेल्प करते हैं। ये जी, ये हमने अपनी निकाल ली शाफ्ट। शाफ्ट हमारी इस तरह की होती है, ये जो मोटर की कॉइल, इसको हम उर्दू जुबान में कॉइल, उर्दू इंग्लिश में भी उर्दू में भी कॉइल कहते हैं। ये हमारे स्प्लिट रिंग्स हैं जो ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये हमारे स्प्लिट रिंग्स हैं जो कनेक्ट होते हैं इन कम्यूटेटर से, ये और ये हमारी मेन वायर्स हैं। ये मेन वायर्स हैं जहाँ पे हम इनपुट देते हैं, और यहाँ पे ये जो स्प्लिट रिंग, ये जो हमारे कम्यूटेटर्स हैं, ये हमारे स्प्लिट रिंग्स को, जी मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, इस तरह लग जाते हैं। और हमारी जो मोटर है, जब हम पीछे से सप्लाई देते हैं यहाँ से, तो ये इस तरह फ्रीली मूव कर सकती है। इसको दूसरी तरफ भी इसी तरह का ही दूसरी तरफ लगा है ताकि हमारी जो कॉइल है वो फ्रीली मूव कर सके। ये देखिए, ये बैरिंग्स का, ये जो बैरिंग्स लगे हैं, इसका ये फायदा है कि हमारी मोटर फ्रीली मूव करे। ये देखिए, चलें जी इसको हम वापस लगा देते हैं। बस इतना सा इसका इंट्रोडक्शन था। एक साइड से इसको इस तरह लगाएंगे, इस तरह लगा दिया। फिर ये जो दो मैग्नेट्स हैं, ये फील्ड क्रिएट करते हैं ताकि ये जो हमारा कॉइल है, कॉइल की जो फील्ड्स की डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन चेंज होती है, और जो मैग्नेट्स की फील्ड नेगेटिव से नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही होती है, इनकी चेंज होती है, फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है, ताकि ये जो बीच में हमारे ये इस तरह अंदर चला गया ये कॉइल, ये ताकि हमारी कॉइल को जब हम करंट देते हैं तो मैग्नेट्स में भी करंट आता है, और ये हमारी कॉइल को इस तरह मूव करवाता है। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर जिस तरह ये हमारी कॉइल मूव कर रही है। फिर इसको हम इस तरह लगा देंगे, इस तरह दोबारा पीछे रख के इस तरह लगा देंगे। ये पीछे इसके स्क्रू आ गए, दोनों स्क्रू आ गए। ये लीजिए, अब हम अपने स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से इसके दोनों स्क्रू बंद कर देंगे। दैट्स इट इज, ये हमारे स्क्रू हो गए बंद। थैंक यू गाइस। तो आज हमने इस मोटर का रिव्यू किया है कि इसके अंदर क्या चीज़ है, किस तरह चलती है, इसकी मोशन के बारे में बात की है, और इसके बारे में, इसकी पूरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।